कैसे 10-15 हज़ार का ये सामान होने वाला है यहाँ से। पहुँच चुके हैं हम सकरदू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लग रहा है तंदूर में आ गए। तंदूर है, क्या हालात है। हमारे पास टोपी नहीं थी। मेरा बच्चा लाल पीला हो गया। भाग भाग के ले आओ। अब हम ड्राई फ्रूट्स लेने जा रहे हैं जो लाहौर लेके जाएंगे। ये बिलाल भाई, हुसैन भाई, ये खास मेहमान है। अगले 5,000 मेहमान में से ये खास मेहमान है ये लोग। क्या क्या है यहाँ पे? ये होता है यहाँ की सुगात है, ये खुबानी। तो ये लाजमी हमने लेके जानी है। वैसे भी ना आजकल वो इमली और खुबानी का जो शरबत पिएंगे ना जी जी, वो बड़ा अच्छा रहेगा। तो हम अपने लिए भी लेंगे और घर वालों के लिए भी। बच्चों के लिए वो भी ले जाते हैं टॉफीज, है ना। आम भी इन्होंने सुखाया हुआ है, जैसे खुबानी होती है ड्राई, आम भी सूखा हुआ है। आम भी है, खरबूजा है, खरबूजा भी है, तरबूज भी है, ये सब कुछ सुखा देते हैं। चेरी भी है। दिखाएं आप ये जितनी ये खास चीज है हमारे लिए। आलू बुखारा है जी। आलू बुखारा तो होता है ना लाहौर में। खरबूजा, खरबूजा, हाँ, ये चेरी है जी। ये अनानास है। ओहो, अनानास भी है। ओहो, कीवी को भी ड्राई कर दिया इन्होंने। और यहाँ के बेस्ट चीज ये जो अपने खुबानी की गिरी है। अच्छा अच्छा, खुबानी से जो निकलता है बादाम की कंपटीशन में। सही सही सही, नहीं ये वाला आप अभी चेक करो, गुड़ की तरह है। किसकी तरह? गुड़ की। अब इसको खा ले, ये गुड़ की तरह। इसका नाम गुड़ की तरह। अच्छा, गुड़ की तरह। इसका नाम गुड़ खुबानी। ये 1700 का हमने लिया है। ये भी बादाम लिए हमने, ठीक है। ये हमने खुबानियाँ ली हैं, इसके रेट भी 1000-1000 के हैं। ये सारे चेंज होते रहते हैं ना, वीडियो आप अगर लेट देखेंगे तो ये और होगा। तो ये अब टोटल मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार का ये सामान होने वाला है यहाँ से। ये बात है, लेकिन जो है ना चखा है हमने सारी चीजें। अच्छा, ये चॉकलेट मुझे बड़ी पसंद आई है। ये लग रहा है हाँ। मुझे नहीं पता था इतनी मजे की होगी ये। ये कितने का आधा किलो का? ये आपको 800 रुपए का मिलेगा या 390 का मिलेगा। इसकी क्वालिटी इसमें फर्क है। हाँ, ये सब कुछ क्वालिटी। चलें फिर ये ले लेते हैं बच्चों के लिए। कितने? एक ही पैकेट ले लेते हैं ना, वो फिर हाफ हाफ कर। यहाँ फिर ये दो लिए ले लेते हैं। नहीं, वो हल्की क्वालिटी है ना। हल्की क्वालिटी है, ये मजे का। ये एक ले लेते हैं क्योंकि बच्चे दो तीन तो बच्चे हैं हमारे। ठीक है, हमारा काफ़ी ज़्यादा बिल बन चुका है। अब हम करते हैं इसको पे और फिर निकलते हैं। ये हमारा काम हो गया, बड़ा ज़रूरी काम जो है ना। चॉकलेट्स हैं, खुबानी है, बादाम है, वो वाले छिलके वाले बादाम हैं। काफ़ी अच्छा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज चुके हैं 7 और यहाँ पे सब कुछ सब उठ चुके हैं। वो देखे निकर किधर पड़ी हुई है क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। तो उठ चुके हैं हम लोग, आज हम लोग जा रहे हैं लाहौर वापस। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, स्टे वाज वेरी वेरी गुड। यहाँ पे बहुत मजा आया हमें, दिल नहीं कर रहा छोड़ के जाने को बिल्कुल। लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत है उधर, आज सर्दी बड़ी थी, रात को बहुत सर्दी थी, बहुत मजा आया। हमें पता ही नहीं, हम सोए हुए पंखा लगा के तो हमारी कुल्फी जम गई। हाँ, बैग्स वगैरह सारे बंद हो चुके हैं और लेने के लिए वो आ रहे हैं, तो बस हम फिर निकलते हैं। ये शर्ट अजीब सी थी। कोई बात नहीं, यहाँ देखें जी, मैंने ये पहनी हुई है शर्ट, मैचिंग हो गया है। हाँ, वही तो, मैं अनफा की मैचिंग हो गई है। अनफा इज ऑल्सो इन ब्लू। चलें फिर निकलते हैं। बिलाल दादे दादे, अनफा ने दादा करना शुरू कर दिया। अनफा, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। खैर से निकलते हैं और फिर नाश्ता करके थैंक यू कह के होटल वालों को यहाँ से निकलते हैं इंशाल्लाह। खैर से, ये सीन बहुत याद आएंगे, खुबानी के जो ये दरख्त हैं बहुत बहुत याद आएंगे। तो ऐसा कि हमारी फ़्लाइट जल्दी थी तो ब्रेकफास्ट जो था ना वो लेट लगता है, लेकिन इन्होंने हमारे लिए जल्दी लगा दिया। फ्रेश चाय है हमारे लिए, बिल्कुल कड़क चाय इनकी, इलायची। ये भी फ्रेश है। अभी बुफे का टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन हमारे लिए देखें, हमारे लिए नहीं सबके लिए करेंगे, सबके लिए करते हैं हमारे लिए। हमारे पीछे भी एक फैमिली है जो कि ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। बिलाल
अनफा बहुत तंग कर रही है ना, अनफा बहुत तंग करती है हमें। चलें फिर अब हम निकलते हैं, हमारी गाड़ी वगैरह आ चुकी हुई है। तो चलें जी, अलविदा करते हैं होटल हिमालया को और सकरदू को भी थोड़ी देर तक, जब हम प्लेन में टेक ऑफ करेंगे। मैं कहती हूं नाश्ता, मजा आ गया नाश्ता करके। जी जी, जबरदस्त, बहुत मजा आया। सुबह का टाइम है तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यहाँ तो पहुंच चुके हैं हम सकरदू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ जी मीना, अब लाहौर की वापसी, लाहौर के लिए वापसी, चले आ जाएंगे। फाइनली हम प्लेन में बैठ चुके हैं लाहौर के लिए। लाल बॉर्डर है, जो लोग देखना चाहते हैं कि पहाड़ों के ऊपर क्या होता है, ऐसा होता है, ये देख सकते हैं आप लोग। मैं भी बहुत क्यूरियस थी कि यार ये नोक सी बनी होती है, ये है क्या, ये देखे। खाना हमारा आ चुका है, ये देखे। अनफा ने देखो क्या किया, क्या किया, पूरा उतार के ले गई है, सारा गंद मचा दिया इसने। ये देखे इसके काम, ये देखे। चलो मैं हाथ साफ करूँ आपके, शाबाश है बच्चा, नहीं अच्छा बच्चा। हर घर में सोलर लगा हुआ है, हर घर में लगा है, लंबे लंबे ऐसे छांव की हुई है। पहुँच गए अपने शहर में, बाहर निकलते ही ऐसे लग रहा है तंदूर में आ गए। पंखे के नीचे भी तंदूर है, गर्मी हुई है। अच्छा, एयरपोर्ट के अंदर बिल्कुल ठीक था मौसम, वो एसी था। हाँ, एसी था ना। लाल हम कैसे, मतलब सारा कोई नहीं, एसी लगा लेंगे। ये देखें जी क्या हालात है, हमारे पास टोपी नहीं थी तो मैंने बिलाल को ना अनफा की वो जो ठंडी मतलब गर्म पहनाया था ना उसको मैंने वो बिलाल के सर पे रखवा दी है। और ये मैंने भी सर पे ना है तो ये नरम है। अनफा बेचारी परेशान हो गई है कि इतनी गर्मी, बिलाल मुझे ऐसे लग रहे कि ना तंदूर में आ गए हैं। हम जब गए थे इतनी गर्मी नहीं थी, हम तो ऐसे इंजॉय करने गए थे। ओए होए अल्लाह खुदाया, ये इस्लाम है यार, लाहौर वाले रह रहे हैं और अब हमने भी रहना ही है। इधर से बिलाल वो लंबा है, बच्ची को ध्यान से, मेरा बच्चा लाल पीला हो गया, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी भाग भाग के ले आओ। है बिलाल जर्मनी निकल पड़ते हैं, बिलाल चले जर्मनी, बच्चा जर्मनी ले जाऊँ आपको मैं। देखो उसके पाँव सारे काले गलोटे हो जाने हैं। तो हम पहुँच चुके हैं और सामान हमने यहाँ रख दिया, पहुँच चुके हैं हम घर। अब देखते हैं बाहर कौन निकलता, मुझे तो कोफ्तों से खुशबू आ रही है। और किस हालत में निकलता है ये भी देखते हैं। हमने सनब्लॉक लगाए हुए थे, ठीक है। उसी टाइम उतरती है ना तो बड़ी फ्रेश होती है। ये प्लेन में आते आते थोड़ा सा हो गया, ये खाएंगे, नींद नहीं आती मुझे, कैसे लेके जाऊँ। ये ना गर्मी में यहाँ पे आके ना ऐसी वो ये मुरझा गई, ये देखा है आप लोगों को, बस इन दोनों के लिए मैं मशक्कत करके हम लेके आए हैं, और भी हैं आपको बाद में देते हैं। अल्फा अल्फा फिर याद, इस बच्ची ने बहुत ज्यादा एडवेंचर किया है मेरे ख्याल से। ऐसी बात नहीं, तंग बड़ा करती है, देखा चीजें फेंकी अपने इनमें सारे, इसमें हाँ ये भी बात है।
तो शाम का टाइम हो चुका है, रेस्ट भी कर लिया और मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दी है। चलिए सामान निकालते हैं और सबको दिखाते हैं और देते हैं चीजें। तो ये हैं जी ड्राई फ्रूट्स, ये वाली हमने चॉकलेट्स ली थी, ये बच्चों के लिए हैं। तो मेरे घर में तो कोई बच्चे नहीं है, यहीं पे हैं बच्चे, तो उनके लिए ज्यान और अनमोल और आयत के लिए। और ये वाले बादाम है, तो हमने ना ये सारा इकट्ठा ही ले लिया है, हमने ऐसे जाके अम्मी को दे देना है। अभी आमना बाजी भी आएंगी तो वो खुद ही अम्मी जो है ना अपने हिसाब से ना बांध देंगी, ठीक है। तो एक मैं पैकेट मामा के लिए लेके आई हूँ, ठीक है, ये वाला, ये मामा के लिए लेके आई हूँ। और ये वाला जो है ना ये हम नीचे सबको दे देंगे, ये वाला, यही चीजें थी वहाँ पे, देखो बानी और ये चीजें, चेरी हम अपने लिए और बादाम, ये चीजें फेमस है यहाँ की। ये है ना बिला, ये हम तो दे देंगे आमना बाजी को, ये लदई शॉपर है, ये बच्चों के लिए अनमोल से आम है। और ये नीचे मोमना भाभी लोग भी और साथ में अम्मी वो शेयर कर लेंगे, साथ मरियम बाजी को बड़ा शौक है। सही, ये हो गया। चले जी अब सबको चीजें देते हैं जो हम लेके आए हैं कद्दू से। चले जी यहाँ पर आमना और मेहर भाई भी आ गए हैं, इनसे मिलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम, आठ दिन सात दिन एक दिन सफर कर लो। हाँ आपके लिए कुछ लेके आए हैं हम, ये हम आप सबके लिए लेके आए, सबके लिए। ये तो लड़ाई हो जाएगी इस तरह, तो नहीं होगी लड़ाई, ये आपके लिए अलग हम लेके आए हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये जो है ना इसके अंदर से हाफ चॉकलेट आए थी है, हाफ अनमोल की है। हाँ ये चॉकलेट बड़ी मजे की है, जितना चाहे आप पूरा भी ले सकते हैं। ये लें जी अम्मी बैठे, ये आपको ना ये हम लेके आए हैं खुबानी, सात बादाम, ये उमेर भाई और आमना भाजी के लिए लैदा पैकेट। कैसा लगा फैमिली, मजे की है जी, अच्छी खा लेनी है, बच्चे भी खुश हो गए हैं, नहीं ज्यान का भी है, ये चॉकलेट्स हैं, मजे की है। उमेर भाई ने कहा था हमारे लिए लेके आना गिफ्ट, लेकिन हम बस ये ले अम्मी, ये आपने खुद ही बांट के ना सबको ये इसमें से डिवाइड कर दे, अगर आमना बाजी कहती सारा सारा इनको दे दे, आप ही सब ना दे सारे, क्योंकि ये लोग बाहर थे, इन्होंने पहले देख लिया और टेस्ट कर लिया। हाँ लेकिन ये आपके लिए स्पेशल हम लेके आए थे, क्योंकि फिर वो ये वाला ना, ठीक है पास कर दे फिर, कैसी है जबरदस्त है। हाँ जी चॉकलेट मजे, आयत कैसी है, मजे की, अनमोल मजे की। चलो ठीक है, अब आप थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा ज्यान को और बाकी आप दोनों खा लो, नहीं तो सारी आयत को भी दे दो या अनमोल ले ले, है ना। बहुत मजे की है चॉकलेट्स, जब भी आप जेंट्स रोड लेके आए बच्चों के। हाँ है ना, सॉफ्ट है ना, मुझे याद है मैंने आपकी वीडियो में देखी थी ये, मरी से लाए थे। हाँ अब ना मरियम बाजी को टेस्ट करवाते हैं, इनको ना ऐसी इमली आलू खा रहे हैं और खुबानी वाली चीजें बड़ी पसंद आती है, मरियम बाजी टेस्ट करें। मैं स्पेशल उधर कहा था क्या ये ना एकदम से नहीं, अभी मुंह में रखोगे गुड बो हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सब दोनों ने हमें याद रखा, मांगे लेके आए हैं, एक एक चीज खाएंगे और आप दोनों को याद करेंगे, ये कोई बात है। आप लोग ट्रिप मारते रहो हमारी, ये सही तो आती है। चलें जी ट्रिप खत्म हो गई, आई होप कि आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। तो अब बारी है आप लोगों के साथ शेयर करने की ट्रिप के बारे में, उसका बजट कितना होना चाहिए और कौन सा होटल आप लोगों को सूट करेगा।
अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी आईज को थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा फिलहाल को ज्वाइन करूँ, आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि रोला डाला हुआ था मैंने कि आपको एंड वाली वीडियो में बताएंगे इंस्टा पे भी, तो मैंने सोचा मैं भी आ जाती हूँ। सबसे पहले हम लोग होटल्स का बता रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को इसीलिए बता रहे हैं कि पहले होटल्स का बता दें, फिर हम लोग अपना हमारा कितना खर्चा आया उसका भी बताएंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं तिब्बत होटल की। व्यू जबरदस्त, 10 out of 10। लेकिन सर्विसेज के लिहाज से हम उन्हें कहते हैं कि दे नीड टू इम्प्रूव, उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है, बिकॉज ये ऑनेस्ट वीडियो है हमारे फॉलोअर्स के लिए, हमारे सब्सक्राइबर के लिए। हम ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जिससे हमारे लोग वहाँ जाएं और जाके सोचें कि यार ये क्या था। तो सर्विसेज के लिए दे नीड टू इम्प्रूव, इंशाल्लाह वो इम्प्रूव कर ही लेंगे। 7 out of 10 हम लोग रेट करेंगे, लेकिन व्यू बेस्ट है वहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं रीगो की। रीगो में सर्विस 10 out of 10, बिल्कुल परफेक्ट। और उसकी आपको खास बात बताते हैं, वो शहर के अंदर है, ठीक है। अगर आपने चुंडा वैली जाना है तो आप मिड में बैठे हुए हैं, अगर आपने कचूरा जाना है, शंग्रीला जाना है, तो भी आप यहाँ मिड में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मिड के अंदर ये रीगो होटल आता है। अच्छा, जो रीगो का स्टाफ था वो बहुत अच्छा था, मैनेजमेंट वॉज वेरी वेरी गुड स्टाफ, इनकी सर्विसेज 10 out of 10 हमने दिया है। रीगो के रेट की बात कर लेते हैं, वो बिलाल बताएंगे। रीगो में ऐसा है कि जो स्टैंडर्ड रूम है ना, उसकी प्राइस है 12,600 तकरीबन, आगे पीछे हो सकती है। और जो और जिस रूम में हम रहे थे एग्जेक्टिव में, उसकी प्राइस थी 20,000। एग्जेक्टिव प्लस था वो, बल्कि एग्जेक्टिव की रेट जो है वो 18,000 था, और जो एग्जेक्टिव प्लस उसका था उसका 20 था, 20,600 सही। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं हिमालया होटल की। हिमालया होटल जो है ये था कोल्ड डेजर्ट के पास, बिल्कुल पास, लेकिन इसकी स्टाफ सर्विसेज 10 out of 10, ठीक है। ऐसी बात नहीं है इन्होंने हमें फ्री किया था, नहीं, हम लोग आप लोगों को सच बता रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी रेपुटेशन की फिक्र है। आप लोग अड्डा को ले ही आते हैं, अड्डा आ जा चला। तो हिमालया की प्राइस थी तकरीबन मेरे ख्याल से 8,000 से शुरू होता है वहाँ पे, 8,000 से और आगे जाता है, जैसे जैसे आपकी नीड्स है, जो आपको पसंद है रूम। लेकिन है? इनकी तीनों में, इसमें कैटल थी, चाय का सामान था रूम के अंदर। अच्छा, अगर आपको रात को बच्चे का दूध गर्म करना है, अगर आपके साथ बच्चा आया, आप लोगों को गर्म कहवा पीना है रात को, आपके पास ग्रीन टी है, सब कुछ है। अच्छा, पिछले दो होटल में नहीं थी। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, हमने वो उस कैटल से चाय नहीं बनाई, आप लोग कह रहे थे कि जूस है चाय की वजह से होटल को अच्छा क्या रहे। हमने एक बार भी उससे चाय नहीं बनाई, क्योंकि हम मतलब के बनी बनाई चाय ऑर्डर करते थे, ठीक है। हम आप लोगों के लिए सोच रहे थे कि इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़ जाए चाय की, या बच्चे की बात ही मालिया की, इधर चेरीज थी खाते थे, आगे मौसम में खुबानी होगी, एप्पल होगा, बादाम होंगे, बिल्कुल। तो आप लोगों को अब हम तीनों होटल्स का बता दिए, ठीक है, बहुत अच्छा। व्यू का बता देना, हिमालया का व्यू में आप कितने पॉइंट देंगे? हिमालया के व्यूज में हम देंगे, व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे दूंगी मैं 8। मैं 9 दूंगा, 9 देंगे, नेचर के बिल्कुल करीब था, आर्टिफिशियली था। अब हम आप लोगों को बताते हैं अपना खर्चा। बिलाल आप अपना फोन पकड़ लें। रिजर्वेशन जो हमने सबसे पहले टिकट से शुरू करते हैं ना, फिर इसके बाद आपको ये भी बताएंगे बाय रोड आप कितना कम से कम जा सकते हैं। आप लोगों को आपने ना दिल थाम लें कि हमारा खर्चा कितना है। हमारा तकरीबन 1,25,000 की टिकट हुई थी अनफा के समेत, ठीक है। हाँ, काम भी हो सकती है, क्योंकि हमने इमरजेंसी जल्दी जल्दी करवाई थी। इमरजेंसी पर पर्सन बता रहा है, पर पर्सन तकरीबन 60,000 है, तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 60,000 है, कम से कम 50, 56, 52 कभी होती है, फ्लक्चुएट करती है प्राइस। हमारा हमारी जो है तीनों की 125 थी अनफा के साथ, क्योंकि अनफा के टैक्सेस होते हैं, अदरवाइज हम दोनों की 110 में हो जानी थी। तिब्बत में कितने पे किए? तिब्बत में हमने पे किए थे 75,000 तकरीबन, 3 दिनों के, 3 नाइट्स के। उसके बाद हमने हिमालया में पे किए थे, हिमालया नहीं वो रीगो, रीगो में पे किए थे हमने 40,000 दो दिन का। 40,000 बिल्कुल, 40,000 तो ऊपर 1200 और, क्योंकि 600 और भी था ना। हाँ, तो हमने टोटल, मैं बड़ा मोटा मोटा सा आपका रहा ना, ठीक है। ये तो अभी तक आप लोग देखिए 2,40,000 हो गया। हिमालया में हमने पे किया था 12,000 पर नाइट ना, 24,000 हो गया, ठीक है। ये हो गया 264, ठीक है, सिर्फ प्लेन का और साथ में होटल्स का। जितने दिन रहे, 7 days का हमारा ट्रिप था, आप लोगों को ये भी बता दें। 7 दिन के हमने होटल की प्राइस आपको मेंशन कर दी है और एयर टिकट, और ये बिल्कुल लग्जरियस वे में आप लोग सोच लें, यानी कि इससे लग्जरी हो सकता है, लेकिन था ये तकरीबन, ठीक है।
इसके बाद नहीं आप आती है हमारी गाड़ी की तकरीबन हाँ तकरीबन हमारी ना 60,000 लगा हो ना ये आप लोग उन्हीं से कांटेक्ट कर लीजिएगा इजाज भाई से। हम ऐसा होता था फिलहाल ना पॉइंट के हिसाब से उनको उसी टाइम पे करते उनके उनके पास एक लिस्ट थी उस हिसाब से हम पे करते थे और काम ज्यादा भी हो जाते हैं थोड़े से पैसे 1,000-2,500 ऐसे करके डिपेंड करते। बात आती है अब कितने में टोटल 3,04,000। खाने के बारे में भी लोग सवाल करते हैं जो लाहौर कराची में प्राइस है ना खाने की जो रेस्टोरेंट की होती है बंदूखा हो गया बट कढ़ाई होगा सेम वही प्राइस है। हाफ कढ़ाई 1200 की मिलती थी वहाँ पे और पूरी कढ़ाई 2400 की मिलती थी। टेस्ट भी तकरीबन ना सही था जैसे होता है आपके खाना जो, बहुत अच्छा था। वो आपसे पूछते हैं कि आपने स्पाइस ज्यादा करनी है आप उनको अपनी सिटी का बताते हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको खाना देते हैं। तीनों होटल में ऐसा हाँ, था ऐसे था। 3,00,000 लगा हमारा यानी कि कपल अगर हनीमून पर जा रहे हैं तो आप 3,00,000 जमा कर लें आप लोग जो है ना ये 3,00,000 बच्चे के साथ लगाना हमारा नहीं तकरीबन बच्चे का इतना खर्चा नहीं होता आप बताता हूँ मैं। अच्छा 3,00,000 आप रख लें अपनी इस्लामिया सुरुमिया जोड़ लें निकल जाए पैसे बच भी सकते हैं आपके डिपेंड करते हैं आपके दिनों के ऊपर और आपके होटल्स के ऊपर ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बाय रोड जाने का तरीका अगर आपके पास बजट कम है या आप सिंगल हैं आप जाना चाहते हैं लड़के जाना चाहते हैं या फैमिलीज जाना चाहती हैं उसमें यह है कि बाय रोड आप ना 4,000-5,000 टिकट है बस की इस्लामाबाद से जाएगी पहले आपको इस्लामाबाद पहुंचना पड़ेगा। अगर आप करोला पर जाना चाहते हैं तो 4 बंदे करोला पर बैठ सकते हैं पर हेड 7,000 है तो आप इजाज़ भाई से रब्ता कर सकते हैं आपको मैंने नंबर दिया था पिछली वीडियो में ठीक है। उस हिसाब से अगर आप देखें 10,000 आपका आना जाना लगेगा बस पे और 14,000 आपका लगेगा गाड़ी पे ठीक है। पहले आपने इस्लामाबाद पहुंचना है और उसके बाद अगर होटल्स के बारे में आप पूछते हैं 3,000-4,000 का आपको पर नाइट होटल भी मिल सकता है लेने के लिए आप इजाज़ भाई से रब्ता करें उनका अपना होटल उन्होंने हमें दिखाया भी था इस प्राइस रेंज में अच्छा था वो होटल। उसके बाद गाड़ी का भी खर्चा पर हेड कर सकते हैं एक गाड़ी करवा लें उसमें आप 4 बंदे बैठ जाएं तकरीबन आप 40,000 में आप ना बाय रोड आ जा सकते हैं और इंजॉय करके आ सकते हैं पर पर्सन। सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है जो लोग 40,000 में जाना चाहते हैं बाय रोड वो जा सकते हैं जरूर जाएं कर दूं बहुत प्यारा बहुत प्यारा बहुत साफ सुथरा। हाँ तो चलें इसी के साथ इस वीडियो करते हैं एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और न्यू टॉपिक का वेट करें आगे कौन कौन सी वीडियोस आने वाली हैं और उस ये बताएं कि नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का होना चाहिए। हाँ ये बताएं कि नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का होना चाहिए फिर हम वो प्लान करेंगे जर्मनी का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जर्मनी का होना चाहिए या मालदीव्स का होना चाहिए। हाँ बिलाल का वीजा है जर्मनी जाए हाँ या मालदीव्स का होना चाहिए या मैं सोच रहा हूँ मालदीव्स का नहीं होना चाहिए पानी उधर बहुत अच्छा स्विमिंग पानी से डाल सकता है चले कोई नहीं। अनफा कह रही है जर्मनी का होना चाहिए स्विट्जरलैंड का होना चाहिए चलो इंशाल्लाह अल्लाह ने जो चाहा वो होगा तो मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।